जिंदगी को इजी बनाने के बेहतरीन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जिंदगी इजी, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में, जहां पे आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेस फंगस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा हमारे फेस पर हो जाता है। हमारे फेस पे ही नहीं, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये हो जाता है। इसे कहते हैं फेस इन्फेक्शन या फिर फेस फंगस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फेस फंगस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये छूने से बढ़ता भी है और ये लोगों में फैल भी सकता है। तो इसके लिए हमें खासा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपको फेस फंगस हो गया है तो इन बातों का ध्यान रखें। फेस रैशेस को हाथों से खींचे नहीं, बार बार इन्फेक्टेड एरिया को ना छुएं, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है। त्वचा को साफ रखें और किसी भी प्रकार का मेकअप ना करें। दिन में 2 बार कम से कम स्नान करें, उसके बाद त्वचा को पूरी तरह से सुखा लें, इसके बाद चिकित्सक की दी हुई क्रीम लगा लें। इसका उपचार, फेस फंगस की समस्या उत्पन्न होने पर पहले चिकित्सक जांच करता है कि फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार का है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। सामान्य रूप से इसका उपचार एंटी फंगल क्रीम या जेल या लोशन से किया जाता है। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट तो चलता ही है, पर उसके साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, जिससे कि समस्या ज्यादा ना बढ़े। किसी के प्रयोग किए गए टॉवल, मेकअप किट, रेजर या ब्रश व अन्य चीजों का इस्तेमाल करने से बचें, इससे संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है। त्वचा को साफ करने के लिए हर्बल वाटर, जड़ी बूटी से बनाया गया पानी जिसमें रसायन प्रयुक्त नहीं होते, इसका प्रयोग करें। किसी भी संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सावधानी बरतें, जिससे समस्या उत्पन्न होने की संभावना ही कम रहती है। ऐसे व्यक्तियों के निकट संपर्क में आने से बचें जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हो। जहां तक संभव हो तनाव से बचें। अपनी त्वचा को साफ और सूखी रखें। अपने चेहरे को किसी मेडिकेटेड और ऑयल फ्री फेस वॉश से साफ करें। अपने हाथों को साफ रखने के लिए किसी कीटाणुनाशक हैंड वॉश या सोप का प्रयोग करें। इन सब के साथ ही खान पान का भी पूरा ध्यान रखें। पौष्टिक भोजन लें और त्वचा की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, इससे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारी आसान टिप्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।